अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फरहीन कुकिंग्स फॉर यू यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी फ्राइड चिकन की रेसिपी। तो फ्राइड चिकन बनाने के लिए यहाँ पर मैंने सिर्फ चिकन लेग्स का यूज़ किया है, आप चाहें तो पूरा चिकन भी ले सकते हैं। तो फिर चलिए देखते हैं ये फ्राइड चिकन मैंने कैसे बनाया है और इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। लेकिन इससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। तो फ्राइड चिकन बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 किलो चिकन लेग पीस लिए हैं। इसको मैंने इस तरह से गहरे कट्स लगा लिए हैं। इससे यह होगा कि चिकन में हम जो भी मसाले ऐड करेंगे उसका सारा फ्लेवर चिकन के अंदर तक पहुँच जाएगा। और मैंने लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच भर के, और ये आधे नींबू का रस है, और टेस्ट के अकॉर्डिंग हम नमक लेंगे। तो ये चीज़ें चाहिए हमें चिकन की फ़र्स्ट मैरिनेशन के लिए। तो फिर चलिए हम चिकन की फ़र्स्ट मैरिनेशन कर लेते हैं और इसके बाद हम चिकन की सेकेंड मैरिनेशन कर लेंगे। तो एक बड़े से खुले बर्तन में हम ये चिकन डाल देंगे ताकि हमें चिकन में मसाले जो है हमारे मिक्स करने में आसानी हो सके। तो अब हम चिकन में अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। तो ये सारा पेस्ट मैं इसमें डाल रही हूँ। इसके बाद हम इसमें ये नमक ऐड कर देंगे और ये नींबू का रस भी हम इसमें डाल देंगे, और इन सभी चीज़ों को हम चिकन में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे हाथों से। तो हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि जो नमक है चिकन में अच्छी तरह से लग जाए। तो चिकन की फ़र्स्ट मैरिनेशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे ये होता है कि चिकन की जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। और दूसरा पॉइंट ये है कि चिकन जो है नमक को अच्छी तरह से जज्ब कर लेता है, जिससे चिकन फीका नहीं लगता, नमक जो है चिकन के अंदर तक चला जाता है। तो बस इसीलिए चिकन की फ़र्स्ट मैरिनेशन करना ज़रूरी है। तो हमारी फ़र्स्ट मैरिनेशन कम्प्लीट हो चुकी है, अब हम इसे रख देंगे साइड में आधे घंटे के लिए, और आधे घंटे बाद हम इसकी सेकंड मैरिनेशन करेंगे। तो आधा घंटा हो चुका है, अब हम चिकन की सेकंड मैरिनेशन कर लेंगे। लेकिन उससे पहले हम देख लेंगे कि हमें सेकंड मैरिनेशन के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो चिकन की सेकंड मैरिनेशन के लिए यहाँ पर मैंने लिया है कॉर्नफ्लावर या फिर कॉर्न स्टार्च, आप जो भी कहते हैं, 2 खाने के चम्मच, और दही लेंगे हम 2 खाने के चम्मच, और मैदा लिया है मैंने 1 खाने का चम्मच, ज़ीरा पाउडर लेंगे हम 1 टीस्पून, लाल मिर्ची का पाउडर लेंगे हम 1 टेबल स्पून, धनिया पाउडर लेंगे हम 1 टेबल स्पून, गरम मसाला लेंगे हम 1 टीस्पून, और ये मैंने थोड़ा सा फूड कलर लिया है। अगर आप फूड कलर यूज़ नहीं करना चाहते तो आप इसकी जगह पे कश्मीरी लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी अच्छा कलर आ जाता है चिकन में। और एक अंडा हमें चाहिए। तो फिर चलिए हम चिकन की सेकेंड मैरिनेशन कर लेते हैं। तो अब हम चिकन में ये धनिया पाउडर ऐड करेंगे, गरम मसाला ऐड करेंगे, और ये ज़ीरा पाउडर, लाल मिर्ची का पाउडर, रेड फूड कलर ऐड करेंगे, और ये दही भी इसमें डाल देंगे। इन सभी मसालों को हम चिकन में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए चिकन में मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। तो अब हम ये अंडा लेंगे, इसे फोड़कर हम चिकन में डाल देंगे, और अंडे को भी हम चिकन में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए अंडे को हमने चिकन में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें ये कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे, और ये मैदा भी हम इसमें ऐड कर देंगे। इससे चिकन का सारा मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा और चिकन जो है वो क्रिस्पी बनेंगे। तो इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं चिकन में। तो इसे हमें चिकन में बहुत अच्छे से मिक्स करना है। तो देखिए इस तरह से हमने जो चिकन में कट्स लगाए हैं उसमें ये सारा मसाला अच्छी तरह से जाना चाहिए। तो चिकन में सारे मसाले अच्छी तरह से लग चुके हैं, अब हम इसे रख देंगे और आधे घंटे के लिए साइड में, ताकि सारे मसालों का फ्लेवर चिकन में अच्छी तरह से रिलीज़ हो सके। आप चाहें तो इसे डायरेक्ट भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे और आधा घंटा रखूँगी। तो आधे घंटे बाद हम चिकन को फ्राई कर लेंगे। तेल हमारा रेडी है चिकन फ्राई करने के लिए। तो हम इसमें ये चिकन के पीस डालेंगे और इसे फ्राई करेंगे। तो बहुत ही आराम से हमें चिकन के एक एक पीस उठाकर इसमें डालने हैं। तो जितनी हमारी कढ़ाई में फिट आ सकें उतने चिकन के पीस हमें डालकर फ्राई करने हैं। चिकन एक साइड से पक चुका है तो हम इसकी साइड चेंज करेंगे। तो देखिए अब हमारा चिकन अच्छी तरह से पक चुका है, तो हम इसे निकाल लेते हैं प्लेट में।
तो कभी कभी ऐसा होता है कि चिकन जब हम फ्राई करते हैं तो ये ऊपर से तो अच्छे से क्रिस्पी हो जाता है, लेकिन अंदर से ये कच्चा रह जाता है, और कुछ देर इसे हम छोड़ देंगे तो चिकन अपना पानी छोड़ने लगता है और ये नरम पड़ जाता है। तो इस बात का सलूशन भी है मेरे पास। आपको बस ये करना है कि चिकन को पहले आपको फ्राई कर लेना है और फिर इसे रख देना है साइड में 10 मिनट के लिए ठंडा होने। और जब चिकन अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो हमें तेल को दोबारा से गर्म कर लेना है और गैस की फ्लेम को हाई रखते हुए हमें चिकन को दोबारा फ्राई कर लेना है। और ध्यान रहे, तेल जो है हमारा काफ़ी हद तक गर्म होना चाहिए। अगर आप इसे ठंडे तेल में तलेंगे तो फिर चिकन जो है वो तेल पी जाएगा। तो इसीलिए आपको पहले ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेना है और फिर इसमें चिकन को फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने चिकन को बहुत अच्छे से हाई फ्लेम पर फ्राई कर लिया है, तो अब मैं इसे निकाल लेती हूँ प्लेट में। तो देखिए, बहुत ही मज़े का हमारा ये चिकन फ्राई बनकर तैयार हो चुका है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।